हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, मॉर्निंग का टाइम हो गया है और पता है आज ऐसे लग रहा है हल्के हल्के ना बादल हो रखे हैं, पता नहीं बरसेंगे कि नहीं, पर हो रखे हैं। एक बार मैं मौसम भी दिखाती हूँ थोड़ा सा आपको। और टाइम हो गया 6:30, तो उठ गए थे हम 5:30, क्योंकि रोज ऑस्कर को घूमने भी जाना होता है, तो पापा और भाई तो लेके चल जाते उसे घुमाने। और हम लोग थोड़ा रुक के ही शुरू करते, मतलब अपना काम वगैरह एक्सरसाइज वगैरह करते उसके बाद ही लगते हैं हम बाकी अपने डेली रूटीन में। तो जी भाई, मैं दिखा देती हूँ, पहले मौसम दिखाती हूँ और वो दिखाती हूँ कि मम्मी क्या काम कर रही है। तो जी देखो, मौसम आज बादल बादल है। हो जाए बारिश तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि बहुत गर्मी है हमारे इधर। और यहाँ पे ये देखो, ये सामने ये वाली बिल्डिंग बनी, ये इसका ही कंस्ट्रक्शन चला हुआ है। अब सूरज के दर्शन हमें थोड़ा ऊपर आए करेगा, सूरज जब भी होए करेगा, उससे पहले तो नहीं होए करेगा, जब से ये बिल्डिंग बन गई अब ऊपर तक। मौसम इतना अच्छा है ना, हवा भी चल रही है यहाँ, ठीक है, ठंडा ठंडा सुबह सुबह। और जी यहाँ पे मम्मी लग गई है अपने मॉर्निंग रूटीन पे। तो जी आज मम्मी क्या बना रही है, मम्मी से जानते हैं क्या बना रही है मम्मी। आज आलू गोभी बन रही है। आज आलू गोभी की सब्जी बन रही है, क्योंकि नवरात्रे लगे हुए हैं ना, तो प्याज लहसुन तो बंद है, तो बस टमाटर का तड़का लगाएंगी मम्मी आलू गोभी को। और आटा भी मैंने दे दिया है छान के, बस मम्मी अब फिर आटा भी गूंद लेगी, पहले सब्जी बनाएगी और फिर आटा बनाएगी। तो जी जब तक मम्मी नाश्ते की तैयारी कर रही है, जब तक मैं नहा धो के मंदिर जाती हूँ, क्योंकि नवरात्रे लगे हैं तो माता रानी का दर्शन कर ही आती हूँ। तो जी मिलती हूँ आपसे मंदिर से आने के बाद। तो जी यहाँ ऑस्कर भी वॉक करके आ गए, बस अब उसके थोड़ा सा कान वगैरह पोंछने और पैर वगैरह पोंछ रहे हैं, क्योंकि घूम के आता है तो कानों पे भी बहुत मिट्टी लगा के आ जाता है और पैरों में भी, तो बस इसकी वही चल रही है सफाई। यहाँ पे मम्मी ने ना सबसे पहले सब्जी को फ्राई कर लिया था, क्योंकि बिना प्याज लहसुन के बन रही है तो एक अलग सा टेस्ट आएगा। अगर फ्राई करके बनाते तो उसका तो अलग ही टेस्ट होता है, जैसे भंडारे में बनती है ना कुछ कुछ, वैसा टेस्ट आ रहा था। तो मम्मी ने पहले सब्जी को फ्राई करा और फिर तड़का लगाया, मतलब टमाटर का। और सच में सब्जी हमारी अच्छी बनी थी, जैसे ऐसा लग रहा था कि कहीं भंडारे से ही आई हो ये सब्जी, बहुत ही यम्मी सब्जी थी। तो फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो गया है और टाइम हो रहा है 6:40 हो गए हैं। हम लोग अब बस डिनर की तैयारी में लग गए हैं। और आज डिनर में बताऊँ क्या बन रहा है, अभी रुको मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ क्या बन रहा है। टेस्टी टेस्टी कुछ बन रहा है, मैं दिखा देती हूँ, उसी की प्रिपरेशन चली हुई है। तो जी यहाँ पे मम्मी कर रही है चावल साफ, और ये पता है चावल जो है ना, घर के चावल हैं, मतलब मामा ने दिए थे हमें वो चावल हैं। और इसके बनेगी टेस्टी टेस्टी खीर। यहाँ पे पता है मैंने दूध भी रख दिया है गर्म होने के लिए, बस जैसे ये हल्का सा उबाल आएगा इसमें, और यहाँ पे मैं चावल डाल दूंगी जो मम्मी साफ कर रही हैं। और पता है ये खीर जो है पापा की फरमाइश थी, काफी दिन से पापा बोल रहे थे खीर खानी है खीर खानी है खीर खानी है, तो बस थोड़े बिजी थे तो बन ही नहीं पा रही थी। तो मम्मी ने बोला चलो यार आज बना ही देती हूँ, तो बस आज बन रही है खीर, वो भी घर के चावलों से। और इतनी टेस्टी होती है ना घर के चावलों की खीर, तो मुंह में जाते ही घुल जाती है, बहुत मस्त टेस्ट लगता है इनके। घर के चावलों की तो बात ही अलग होती है, अगर आप कच्चे भी खाओगे ना कभी खा के देखना, ऐसे मीठा मीठा टेस्ट देते हैं। और
खीर में तो और प्यारा टेस्ट आएगा, मजा आ जाएगा आज तो खीर खा के। तो जी यहाँ पे दूध में उबाल आना शुरू हो गया है और यहाँ पे मैंने ना चावल भी धो के रख दिए हैं, बस अब चावल डाल दूंगी और फिर मीडियम गैस पे छोड़ दूंगी खीर को बनने के लिए, ताकि वो अच्छी गाढ़ी गाढ़ी बने, क्योंकि उबाल तो आना शुरू हो गया है दूध को। तो जी चलो डाल देती हूँ मैं पहले चावल। तो जी जब तक हमारी खीर तैयार होगी तब तक कर लेती हूँ मैं अपनी शाम की पूजा। तो यहाँ पे मैं जला रही हूँ घी की जोत, और पता है जब मतलब ऐसे त्यौहार का मौका होता है ना, उस समय तो मंदिरों की टौर ही एक अलग आती है। अब जैसे यहाँ पे हमारे मंदिर में थोड़े से मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करा है हमने, थोड़े से फूल से सजावट करते हैं और डेली होती है, ऐसा नहीं कि एक बार ही हमने चढ़ाए हैं वही फूल चल रहे हैं, डेली सुबह फूल आते हैं और डेली चढ़ाते हैं हम लोग। जैसे अभी त्यौहार चल रहा है नवरात्रे का, तो इतनी प्यारी शो आती है ना, सजा धजा मंदिर अच्छा लगता है देखने को भी रोज। तो जी यहाँ पे खीर में मम्मी ने चीनी डाल दी थी, उसका जो 1/4 अमाउंट था चीनी का वो मम्मी पिघला रही हैं, उसे ऊपर से डालेगी जो कैरमलाइज खीर के लिए फ्लेवर देगा हमारा। और ये फर्स्ट टाइम ही ट्राई करा मम्मी ने, इससे पहले कभी नहीं खाई हमने ऐसी खीर, ये फर्स्ट टाइम ही मम्मी ने बनाया। और क्या बोलते हैं इसमें डाले मम्मी ने चीनी पिघलाने से पहले ड्राई फ्रूट को हल्का सा रोस्ट करा, वो पहले खीर में डाले और ऊपर से डाला ये जो चीनी पिघलाई हुई है, और ये कलर देखो चेंज हो गया वाइट से सीधा ब्राउन। तो फ्रेंड हमारी खीर बन के हो गई है तैयार, कैरमलाइज खीर बनाई है हमने। तो जी इस व्लॉग को मैं यहीं रोकती हूँ क्योंकि अब हो गया डिनर का टाइम, तो डिनर करना है। तो जी इस व्लॉग का एंड हम यहीं कर देते हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।